ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदान्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माना जैनम जयतु सासिनम। चित्त स्वरूप दर्शाया प्रभुवर चित्त स्वरूप दर्शाया होए स्वयं में स्वयं स्वयं भू चित्त स्वरूप दर्शाया। टोडम जी साहब ने अरिहंत का स्वरूप लिखा तो चालू कहां से किया, जो गृहस्थपना त्याग कर ये क्यों चालू किया कि जो यहाँ बैठे हैं वो ही यहीं से उठकर भगवान बनते हैं, इसलिए आपके बीच में पहले वो बैठे थे और वही गृहस्थपना त्याग कर मुनिधर्म अंगीकार कर निस्वा साधन द्वारा चार घातिया कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हो गए। ऐसे ये भगवान महावीर है, ये आदिनाथ के समय से थे तो ये हमें आराधना की भी झांकी दिखा रहे और विराधना की भी झांकी दिखा रहे कि आप देखो विराधना का क्या फल होता है और आराधना का क्या फल होता है। एक व्यक्ति जैन दर्शन की विराधना करता है तो उसकी क्या दुर्दशा होती है, और वही व्यक्ति अपनी आराधना करता है जैन दर्शन की आराधना करता है तो उनकी कौन सी दशा होती है। दोनों का सुख दुख सारा चित्रण देखने मिलता है। हरिभाई ने लिखा है कि कोई केवल ज्ञानी भगवान के समोसरण में अपने केवल ज्ञान की घोषणा सुने तो उसे प्रसन्नता होती है कि रोष आता है, वो भगवान की भक्ति करता है कि विरोध करता है। लेकिन 24वां नंबर था ना तो कहीं ना कहीं तो काम बनेगा। कल भैया जी रात में कह रहे थे 3,56,00,000,000 तो त्रस की पर्याय थी। आप कल्पना कर सकते हो 60,000 बार वेश्या बनी, वो भी भैया चौथे काल की, चौथे काल में छोटी सी पर्याय नहीं होती 10-5 साल की। आप सोच सकते हो 60,000 बार वेश्या बनी होगी तो कितना काल तो उसे व्यभिचार में बीत गया। अपनी कतर नहीं करने का फल, कितने बार अकौवा का जीव बन गया, कितने बार गिजाई, कितने बार कौन कौन सी पर्याय में पहुंच गया, तो विराधना का फल भी है। अपू भैया आज हमें संकल्प लेना चाहिए। मैं बैठे बैठे सोच रहा था जिनके निमित्त से देशना खिरी गौतम स्वामी, उनने देशना समाप्त होते ही साथ देशना सार्थक कर दी, उन्हीं के भाग्य से खिरी थी और आज समाप्त हुई और परसों वे भी मोक्ष के साथ केवल ज्ञान लेकर बैठ गए। कौन सा संकल्प लेना चाहिए फूफा जी हमें आज, समझना आता भैया कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे अभी आपको। आपका ये ज्ञान आपकी आराधना के लिए मिला है, विराधना के लिए नहीं मिला है। मतलब पूरा पूरा जीवन है भैया, एक पुरवा भील से लाइफ दिखाई देती है उनकी, फिर से वापसी। अब पुरवा भील होकर दिगंबर मुनिराज को तीर चला रहा और पत्नी ने कहा नहीं नहीं इनको तीर नहीं मारो, ये कोई दिव्य पुरुष दिखाई देते हैं। तो बोले ठीक है चलो पास में चलते हैं, तो उनको वो रास्ता भटक गए थे। तो उसमें 24वें पुराण में लिखा है हम आपको जंगल से निकलने का रास्ता बताते, आप हमको मुक्ति से संसार से निकलने का रास्ता बताओ। और उनने पहले ही दिन कहा कि तुम भद्र हो तुमको छोड़ सकते हो। बोले साहब हम क्या छोड़ेंगे, बोले मांस छोड़ोगे, तो बोले कौन सा मांस छोड़े साहब, मांस तो हमारा जीवन है। बोले कहुए ही का छोड़ दो, आपको पता है चरणानियों की कितनी कीमत है, जिसको आत्मा नहीं पता उसे कहीं से तो चालू करना पड़ेगा, उसको कहीं से तो लाना पड़ेगा। अभी पवन भैया एक पूरा मैटर है दीपावली मनाना कैसे चाहिए। मैंने हुआ भाई साहब के मुख से सुना था यदि तुम एक जाला भी साफ करते हो तो तुम अहिंसा के पुजारी भगवान महावीर के इस निर्वाण कल्याणक पर हिंसा का तांडव नृत्य कर रहे हो। एक भी सफाई की जरूरत नहीं है, क्या सफाई की जरूरत है, दुनिया लक्ष्मी घर पर आती इसलिए सफाई करती है। हमारे यहाँ ऐसी कोई काल्पनिक लक्ष्मी नहीं है जो घर पर आती हो, हमारे घर पे पहले से एक बहुत बड़ी लक्ष्मी बैठी है जिसकी हम कद्र नहीं कर रहे। और आपको सफाई भी करनी हो तो उसकी करो ना, जहां पर गंदगी मच रही है उसकी क्या सफाई कर रहे हो जिसमें दूसरों के घर उजड़ रहे हैं।
भाई साहब बोले बोले एक जाला भी नहीं निकालना, तुम दिवाली के बाद निकाल लेना, पर दिवाली के नाम से नहीं निकालना, नहीं तो गृहित मिथ्यात्व का पाप बंद होगा। बोलो भैया कितनी बातें सोचने की है, एक एक बातें सोचने की। ये दिवाली वाली हमारा पर्व नहीं है, हमारा पर्व तो निर्वाण उत्सव है। हम तो निर्वाण पर्व की बधाई देंगे। किसे कहते निर्वाण? वाण इच्छा, जहां इच्छा का अभाव। हम तो इच्छाओं की पूर्ति में लगे। बोलो कोई ना कोई बोले आज धातु खरीदनी चाहिए। चैतन्य धातु तो तुम्हारे पास उपलब्ध है, तुम कौन सी धातु खरीद रहे हो, कहां जा रहे हो, तुम किससे संपन्न होना चाह रहे हो? संपन्नता की कमी नहीं है, संपन्नता की पहचान नहीं है। कौन सी कमी है? यदि संपन्नता की कमी होती तो वही विराधना करने वाला जीव आज भगवान कैसे बन जाता? अभी याद आ रहा था चित स्वरूप दर्शाया प्रभु, चित स्वरूप दर्शाया स्वयं स्वयंभू होए। राजेश भैया भगवान बनने के लिए ने कौन की हेल्प ली? फिरने के लिए भी कोई के पास नहीं गए, खुद ही के परिणाम जिम्मेदार हैं। और आज मुक्ति के लिए भी किसी के पास नहीं गए, खुद ही के परिणाम जिम्मेदार हैं। जिस परिणाम ने अपनी कद्र करी वो परिणाम आज पूजने लगा। बोलो उन्हीं आदिनाथ के बाजू में बैठे हैं आज, जिनका एक दिन झंडा लेकर विरोध कर रहे थे। बोलो कितनी कितनी बातें, चार चार हजार वर्ष बीत गए, 1000 वर्ष बीत गए और आदिनाथ बोलने तैयार नहीं है, कौन रास्ता दिखाए। बोलो आज आज दिव्य ध्वनि का दिवस है, आपको कितनी कदर आती है इसकी? आज एक एक, एक बात के लिए। और ऐसा नहीं कि दिव्य ध्वनि आज उपलब्ध नहीं है, अरे आज अथाह दिव्य ध्वनि उपलब्ध है। गुरुदेव श्री मानो फिर से महावीर बनकर आए हो हमारे लिए, तो सारी बात उपलब्ध है। भैया बोलो स्वाध्याय करते हो? कितनी देर स्वाध्याय करनी चाहिए? एक बार पंडित साहब बोले बोले भैया आप करते क्या हो, आप स्वाध्याय ही करो बस। ये मार्गदर्शक है, मार्गदर्शन है ज्ञानियों का। आप लो एक एक बात पे लो। एक दिन तो पता नहीं मैंने कहा सुना था, यदि आप जिनेन्द्र भगवान के उपासक हो तो जिनवाणी के प्रतिकूल सोचना भी नहीं, विचारना भी नहीं। हर बात सोचने के पहले जिनवाणी उठाना कि जिनवाणी इस बारे में क्या कहती है। ये लिखा है आगम चक्खु साहू, उस एंगल से देखना। बोलो भैया पवन भैया तो पुरुर्वा भील से पहली बार वापसी हुई, उसके बाद में विश्वनंदी की पर्याय में फिर से सम्यक दर्शन, पहली बार सम्यक दर्शन हुआ और भैया जी वो भी छूट गया। अपन को ऐसा लगता है कि वो ही छोड़ रहे हैं, उनने छोड़ दिया। अरे तुम भी तो छोड़ रहे हो, मुक्ति का अवसर भोगों के पीछे छोड़ रहे हो, रत्नत्रय का अवसर भोगों के पीछे छोड़ रहे हो। जिस धन को हमारे गुरुदेव श्री धूल कहते थे, हम उन धूल इकट्ठा करने में लगे। कभी बैठकर भैया आधे घंटे समय करना कि गुरुदेव ने उसको धूल क्यों कहा। आप गुरुदेव श्री के स्वाध्याय पढ़ो, वो सैकड़ों बार बोलते हैं साहिब कमाना तो पड़ता है ना कि धूल छे ना, कुछ काम तो आती है ना कि धूल छे ना। मतलब गुरुदेव श्री सुख के लिए पैसे की अकिंचित करता सिद्ध करते रहते। अब बोलो जिन्हू भैया हमें उससे बड़ा पल लगता है, परिग्रह रहित मार्ग के राही को परिग्रह बढ़ने से प्रसन्नता होती है। कैसी प्रसन्नता हो रही? बोलो जरा से एक अहंकार में पहले उठा उठा के फेंक रहे थे सामग्री, और बाद में उस अपना शरीर का बल चला गया, मुनि दीक्षा अंगीकार करके भावलिंगी संत बनकर किसी ने पीछे से ताना मारा, कहा है तुम्हारा बल? और एक मिनट में बोले मुझ में मेरी तपस्या का फल निकले तो मैं इसको चीर के दो टुकड़े करूं। कैसे गंदे परिणाम। मां जिनवाणी में निकला लिखा है, अरे रे तूने कोड़ियों के भाव रत्नत्रय को बेच दिया। मैं एक बात और कहूं, ऊपर से एक वो जा रहा था विद्याधर का हो या देव, तो बोले मेरी विभूति ऐसी हो। भैया जी विषयों से कितना बचना चाहिए, आज सामने वो नहीं होता तो ऐसे निदान नहीं बनते। हमें विषयों से कितना बचना चाहिए, हम विषयों के बीच में रहकर निर्गंत होना चाह रहे हैं। श्रीमद जी ने लिखा है सत्संग की बहुत कीमत है। बोलो भैया संदीप भैया कितना बचना चाहिए, कितना छिपकर रहना चाहिए। एक बार मैंने भाई साहब को पत्र लिखा कि दिवाली कैसे मनाए, तो बोले बेटा सबसे पहले तो सुबह उठकर 4 बजे उठना चाहिए और नहा धो के तैयार होकर शांति से चटाई पर बैठकर 108 बार पहले तो महावीर भगवान की एक जाप देनी चाहिए, और बोले उसके बाद में रूपस्थ रूपति ध्यान करना चाहिए,
कि कैसे भगवान रूप में विराजमान थे समोसरण मध्य, और उसके बाद कैसे वो योग निरोध पे गए और कैसे वहां से मोक्ष जा रहे हैं, बोले पूरा चित्रण खींचना चाहिए। और बोले उसके बाद मंदिर आना चाहिए, वो भी रात में नहीं दिन में। और बोले जो कुछ जो सारी प्रक्रियाएं है वो पूरी करके फिर भरचक आज दिन भर मंदिर में ही प्रोग्राम होने चाहिए। तो वो कहने लगे, बोले सुबह 10 बजे पूजा करके प्रवचन सुन के ऐसे भागता है, उसके बाद बोले लौट के ही नहीं आता मंदिर। जबकि जिनका कल्याणक है उनके पास रहना चाहिए कि उनसे दूर जाना चाहिए? बर्थडे बॉय के पास रहा जाता है कि बर्थडे बॉय से दूर रहा जाता है? वो लौट के ही नहीं आते। मैं मालूम आपसे बहुत हृदय से कह रहा हूं, आपको भी संसार समझ में नहीं आ रहा। वो जीव निगोद चला गया भैया 11वें तीर्थंकर से, भैया जी उसका वापसी हुई 11वें तीर्थंकर से। आप 1 से 11वें तीर्थंकर के बीच का काल नहीं नाप सकते कितना होता है। अब वो सिर्फ एक इंद्री में पड़ा रहा। कौन? जिसे आदिनाथ पसंद नहीं आए थे वो, जिसे जैन दर्शन पसंद नहीं आया था वो, जिसे क्रमबद्ध पर्याय पसंद नहीं आई थी वो, जिसे वस्तु की स्वतंत्रता पसंद नहीं आई थी वो। मैं मालूम, मैं कल स्वाध्याय कर रहा था संजय भैया, तो मैं सोच रहा था कि यार हम कहां थे उस समय, क्योंकि हम भी तो थे ना कहीं, तो हम यहां किस लिए आए हैं? शादी करके धन कमा के प्राण विसर्जन करने आए, इसके लिए तो नहीं आए हम। बोलो बोलो आपको भैया, हमारी पर्याय किस लिए मिली? ये पता है ये प्रसंग क्यों आते हैं? ये कहते हैं कि तुम जिस रास्ते में जा रहे हो उसका फल भी देख लो, और जिस रास्ते में जाना चाहिए उसका फल भी देख लो। हम तुम्हें सब दिखा रहे हैं। और वहां से फिर वापस सिंह की पर्याय आई, तो सोचो तो कहां काललब्धि पकी। दो मुनिराजों ने वहां सिमंदर नाथ से उपदेश सुना कि वो भावी तीर्थंकर वहां विराजमान है उस देह की उस सिंह की पर्याय में। और भैया उसके पहले वो वहां से निकल के सिंह बना एक बार, और फिर चीर फाड़ करके फिर 7वें नरक 33 सागर, और वापस फिर सिंह बना, और फिर चीर फाड़ कर ही रहा था, और 2 दिगंबर मुनिराज पधारे। मैं आपसे एक बात कहूं, वहां उस जीव की भवितव्यता पकी थी तब 2 दिगंबर मुनिराज आए, तो हमारी भवितव्यता नहीं पकी जब गुरुदेव आए, जिनवाणी आई, स्वाध्याय आया, तो हम इस काम को सार्थक करने की क्यों नहीं सोच रहे? भैया हम कोई दूसरे काम के लिए नहीं आए। भाई साहब कितनी बार कहते जैनी घर में बच्चा भगवान बनने के लिए ही जन्मता है। आपको पता है ट्रोडर मजी साहब को कितनी महिमा आती होगी, उनने मोक्ष में प्रकाश लिखा तो उसको चिंतामणि लिखा। कल भैया जी पढ़ रहे थे, कोई बड़े दरिद्री को चिंतामणि का अवलोकन मात्र कराए और वो ना करे। मैं मालूम आपसे एक बात पूछता, अवलोकन क्यों लिखा संजय भी? अवलोकन क्यों लिखा? वहां तो मांगना पड़ता है, यहां तुम अवलोकन ही कर लो ना तो तिर जाओ, क्योंकि यहां भरा पड़ा है माल, ये तो सिर्फ मार्गदर्शक है। बोले देखे नहीं। बोलो भैया सिंह की पर्याय। और फिर सती भैया सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन होने के बाद सोचो इस जीव की परिणति कैसी होगी। 1 महीने की आयु थी तो वो अपना बॉडी हिलाने तैयार नहीं है। कैसी कैसी उसमें लिखा भैया जिनवाणी में, इसको कहते हैं उत्तम क्षमा, कोई जीव को कष्ट ना हो जाए, कोई को तकलीफ ना। बोले नोच रहे वहां पे, हाथी नोच रहे, छोटी छोटी पशु पक्षी आके नोच रहे, उसको जिंदा में नोच रहे। कि देखो इससे पता चलता है जिसे आत्म अनुभव आवे उसे और कछु ना सुहावे। अब फिर फूफा जी उसको कितने भाव लग गए वहां से लौटने में, लौटने में कितने भाव लग गए? अब वो 12वें तीर्थंकर के काल में हुआ सम्यक दर्शन, और 12 से लेकर 24 फिर आधी 24 ही नप गई सिर्फ चारित्र मोहिनी गलाने में। आपको समझ में आता भैया हमारे पास कितना काम है? बहन श्री बहन की भाषा में कहें तो कितना काम है, और आप उस पुद्गल के लिए परेशान हो रहे हो। भैया जी कल हम अपने घर से उतरे तो हम साइकिल पर चलाते ना भैया, वो साइकिल रात भर बाहर खड़ी रही। हमने उतरे घर से महीने के लिए, साइकिल बाहर खड़ी, हमने कहा ये रखने ही भूल गए दुकान में, हमने कहा अपन दिन में ताला लगा रहे, रात भर खड़ी कैसे खड़ी? कि तुम्हारे पास जिन परमाणुओं को रहना है उसे कोई नहीं छीन सकता, और तुम्हारे पास जिन परमाणुओं को आना है उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम अपनी बुद्धि तत्व ज्ञान में लगाओ, उसमें मत लगाओ, जड़ में बुद्धि मत लगाओ, उसकी जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारी बिल्कुल तुम बुद्धि खराब कर रहे हो, पूरा बंध अधिकार पढ़ लेना, परद्रव्य के विकल्प करने से मात्र बंद होता है और कुछ नहीं होता।
तो भैया उसको 10 भाव लग गए, बीच में चक्रवर्ती तो आया, सब कुछ आया, पर कहीं मन नहीं लगा। और यहाँ पर आया, आप कल्पना करते तीर्थंकर क्या कहलाते हैं, जिनके माँ के पेट में आने के 6 महीने पहले से तो रतन बरसने लगते हैं। तुम किन जड़ रत्नों के पीछे भाग रहे हो? रत्नत्रय की आराधना करने वालों का स्वागत रत्नों से होता है। और 15 महीने तक रतन बरसते रहे, रत्न धारणी कुच्छी माता के गर्भ में बालक आया तो ऐसी प्रसन्नता हुई। आप कल्पना कर सकते, 3 लोक का नाथ जिनको छूने स्वादर में तरसता हो वो मेरे पेट के अंदर आकर विराज गए हो। संजय भाई, ये भी कोई छोटा सौभाग्य है? इसलिए तीर्थंकर की मांग के भव नहीं होते, कैसे आ गए, कहां से आ गए। और ऐसे ही नहीं है, 16 स्वप्न देकर आए, अपने स्वप्न से अपना भवितव्य दिखाई देता है आपको, जो स्वप्न आते हैं उससे आपका भवितव्य दिखाई देता है। क्या हम तो मन कभी कभी सोचते हैं कि एक बाहर से भगवान बनने वाला जीव आया तो माँ को फुरफुरी हो रही, तो यहाँ तो साक्षात 3 लोग का नाथ बैठा ही है, कितना बहुमान आवे अंदर से। आपको पता है भी? एक मैंने पता नहीं मैं कहाँ सुना था कि वो एक गरीब आदमी को रत्न मिला था भैया, तो उसको पहचान नहीं थी, तो वो क्या करता था उससे, उसके से रख देता था, उसमें धागा पे रोता था, ये करता था। तो बाहर से एक जवेरी निकला तो बोले भैया तुम क्या कर रहे हो, तो कहले अपनी किस्मत फोड़ रहे हो, क्या कर रहे हैं, तो बोले कि जी क्या है, बोले दीपक है, मिला था वहां पे, तो बोले इधर आओ, और अपने घर ले गया और बोले कि इतनी जितनी संपत्ति है सब ले लो। ऐसे आपको पता है आपके अंदर कौन बैठा है? आप एक बार देखो तो वो जीवन भर की मुक्ति देता है, आप उसमें रम जाओ तो वो अनंत काल का सुख देता है। ऐसा नहीं कि आपके पास चैतन्य हीरा नहीं है, आपको पहचान नहीं है। भैया जी, अपन को ऐसा लगता है ना, उसके घर में हीरा था फिर भी भीख मांग रहा था, तेरे घर में भी अनंत सुखमयी भगवान आत्मा हो तो दिन भर कटोरे लेके भीख मांग रहा है। आज धंधा ठीक नहीं चल रहा है, आज दुकान ठीक नहीं चल रही है, आपको पता नहीं आप पंचम काल में आए हो, जो कुछ चल रहा है वही बहुत ठीक है। अभी यहाँ पे प्रतिकूलताओं के अंबार खड़े होने वाले हैं। मैं कल पेपर पढ़ रहा था, एक मूक बधिर लड़की किसी हॉस्पिटल में पड़ी थी, उसके मुंह पर ऑक्सीजन लगी थी, उसको उसी हॉस्पिटल के 4 कार्यकर्ताओं ने उसको कोई नशे की इंजेक्शन दी और उसके साथ बलात्कार किया। आप समझ रहे हो कौन सा स्तर आ गया देश का? हॉस्पिटल में गई हुई मूक बधिर लड़की भी सुरक्षित रही, ये काल आ गया, स्तर गिर गया इतना। संजय भैया, मुझे छोटे छोटे बच्चे होते ना, मैं उनसे कहता हूँ आप इनको संभाल के रखो, कितना स्तर गिर गया। हम पे भाई साहब कहते हैं बेटा तुम्हारे घर की नहीं भगी ना अभी, इसलिए तुम्हें करुणा नहीं है, तुम्हें कहने का भाव नहीं आता, स्तर इतना गिर गया है। इसलिए भाई साहब आप संभलो, आप उसको संजोने में लगे हो जो बिगड़ नहीं, अरे उसको संजो लो जिससे तुम्हारा अनंत काल ना बिगड़ जाए। मैं सच कहता हूँ, भैया ने कितनी अच्छी बात कही थी कि तुम्हारे ज्ञान में आज वो सामर्थ है कि वो रत्नत्रय भी ले सकता है, केवल ज्ञान की पूरी तैयारी कर सकता है, और कैसे बर्बाद करने में लगे। भैया बहुत काम है, वे तो कह रहे कि तुम्हारे हाथ में एक भी काम नहीं है, वस्तु स्वतंत्र है। और आज दिव्य ध्वनि का दिवस था, मैं क्या बोलूं, आपके 10 बज गए आज दिव्य ध्वनि का। आप दिव्य ध्वनि समझते क्या कहलाते हैं? अणु अणु स्वतंत्र मतलब तब तो हाथ में हाथ रखे हैं, अनेकान स्यादवाद अपरिग्रह, एक से बढ़कर एक यहाँ वेराइटियां हैं, क्रमबद्ध पर्याय, निमित्तोपादान की स्वतंत्रता, आत्मा की 47 शक्तियां, आत्मा का स्वयंभूपना। आप देख ही नहीं रहे हो, आप अपना वैभव नहीं देख रहे हो, उसके पीछे भाग रहे हो जो कभी आपका वैभव बन ही नहीं सकता। आज दिव्य ध्वनि का दिवस है, खूब पढ़ो खूब लिखो, 4 अनियोगमयी जिनवाणी है दुनिया का। आज मैं सुबह उठा तो मैंने कि बताओ सर्व समाधान कारक भगवान आज चले। और पता कैसी वस्तु व्यवस्था है कि जिसको जिस भाषा में जिस लैंग्वेज में समाधान चाहिए उस लैंग्वेज में समाधान उपलब्ध है, और हर अनियोग का समाधान। आप पता है आपको समस्या हर विवाद का हल हो सकता है स्यादवाद के द्वारा। आप स्यादवाद से नहीं सोचते हो, आप अनेकान नहीं देखते। बोलो सतीश भाई अपने पास अभी क्या है, कि अनेकान से विचार तो करो, अनंत शक्तियां उछल रही हैं,
आपको किसी ने कुछ कह दिया, भूपा जी कह दिया कि आप डॉक्टर हो, ये सर्वता नहीं है, याद है, लेकिन हम उसे सर्वता बना देते। यदि श्री गुरु ने कहा कि पापी, तो उन्हें सर्वता नहीं कहा है, स्याद कहा है, किसी अपेक्षा का है, उसी समय तुम भगवान आत्मा के रूप में सर्वस्व विराजमान है। मैं आपका बिल्कुल एक्स्ट्रा समय नहीं लेता, बातें बहुत हो सकती है, क्योंकि चरित्र भी बहुत बड़ा है और बहुत कुछ सीखने और सिखाने लायक है, और अपने आप में पांच कल्याणक भी बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, आपने 17-18 गाथा पढ़ी होगी, उसमें लिखा है कि जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष राजा की सेवा करे, राजा को पहचाने, तो बताओ राजा की बुराई करे तो धन मिले कि नहीं? बोलो, कहता मिले मालूम भाई साहब? बोले तुम खुद ही अपनी बुराई कर रहे दिन भर। भैया जी बोले हमने असंख्यात लोक प्रमाण राग है, तो भाई साहब बोले एकाध लोक प्रमाण बोल देते। अरे तेरे में अनंत गुण भरे हैं भैया, तुम नहीं देख रहे हो, सिर्फ इतनी प्रॉब्लम है। पत्नी खराब नहीं थी चारुदत्त की, वो नहीं देख रहा था, प्रॉब्लम इतनी थी। ऐसे हमारी प्रभुता, संपन्नता, आनंद, ऐश्वर्य, किसी में कुछ कमी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं देखने की है, तो देखना चालू कर दो। आपको पता, मैं सच कहता हूं, आपको आज भी भरोसा नहीं हो रहा कि सुख यहां से आता है, आपको आज भी भरोसा नहीं हो रहा कि प्रभुता यहां से आती, क्योंकि जिसको जिस पर भरोसा होता है वो वहीं खड़ा रहता है। आप रेलवे स्टेशन पर जाओ और विंडो पर खड़े जाओ, और बाद में पता चले कि यार रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, नॉर्मल टिकट मिल रही, तो संजीव ये कितनी देर खड़े रहोगे? तुरंत बदल लोगे। और आप इतनी देर में समझ ही नहीं पाए कि यहीं से सुख, यहीं से ऐश्वर्य, यहीं से मुक्ति, यहीं से आनंद आने वाला है, और आप 23 घंटे उस विंडो पर खड़े हो जिसमें से कुछ नहीं आने वाला। भैया शक्ति की अभिव्यक्ति हुई है, थी मुक्ति तो प्रकट हुई। गुरुदेव का प्रवचन पढ़ना, सैकड़ों बार बोले 64 पुठी तिखास कहां से आई, कहां से आई? तो आप भी समझ लेना, यहां जो कुछ आया सब अंदर से आया है, बाहर से कुछ नहीं आया है। बाहर से तो जो कुछ आया था वो सब छोड़कर चले गए, द्रव्य भाव नौ कर्म की छुट्टी कर दी पूरी। मैं लास्ट बात कहता हूं कि अभी ऐसा लगता ना चित्त स्वरूप दर्शाया, कहां दर्शाया, कहां दर्शाया चित्त स्वरूप? गोपा जी कहां दर्शाया? आपने वो गणित का वो किया, सवाल किया, तो ऊपर एक वो इक्वेशन आती थी भैया, वो प्रूफ डेट लिखा रहता था, और पूरा प्रोग्राम कराने के बाद आखिरी की इक्वेशन क्या कहती थी? हेंस प्रूफ की। तो ऐसा ही है, ऐसे ही आप जैसे हो ना वैसे ही दिखा दिया उन्हें, इसलिए आप इनके दर्शन करके ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, ये प्रतिबिंब सु मेरा है, भली बाति मैंने पहचाना, ज्ञायक रूप सु मेरा है। हम कभी भैया बाहर जाते ना, और जैसे किसी के घर पे कुर्ते बनते हो, अच्छा आपके यहाँ कुर्ते कंपनी साहब एक 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 उसकी यहाँ है तो बांट रहा है, ऐसे जो मुक्ति आई वो कहां से आई? हम एक समय की मुक्ति के इच्छुक नहीं है, हम ऐसे मुक्ति के बांटन हारे हैं, क्योंकि यहीं से निकलती मुक्ति। तो तुम्हें यदि आज भगवान को देख के अपनी सामर्थ्य ख्याल में आ जाए तो तुम्हारे निर्वाण पर्व सार्थक है, और यदि तुम्हें अभी भी ऐसे ही लगता है कि मैं दीन दरिद्री पामर हूं, तो समझना अभी तुम्हें जैन दर्शन में आने में ही टाइम लगेगा। ऐसे महामहिम हम सबके आदर्श, हम सबके भाग्य से हम सबको आईना दिखाने वाले भगवान महावीर का यह मंगलमयी पर्व हम सब अंतर्मुखी होकर अंतरंग आराधना के लिए मनाएं, इसी मंगल भावना से विराम। ओम नमः सिद्धेश्वर।